हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रानिया, मैं हूँ रोहन, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है राम जी तो मांस खाते थे, हम क्यों नहीं खा सकते। डॉक्टर जाकिर नायक वर्सेस अनिरुद्ध आचार्य जी। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है, ठीक है, और पंडित जी क्या रिप्लाई देते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक सर क्या रिप्लाई देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वीडियो को लास्ट तक के देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत कुछ सच्चाई आप लोगों को पता चलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जब क्या राम जी कभी किसी पशु के खाल पे बैठ के तपस्या कर सकते थे? किसके खाल पे? किसी पशु मतलब हिरण की खाल पे बैठ के क्या तपस्या कर सकते हैं राम जी? भाई राम जी देखो ऐसा है, पशुओं की खाल शेर की खाल है ना, शेर की खाल हिरण की खाल, जब ये लोग मर जाते हैं हाँ। तो इनकी खाल को आसन बनाई जाती थी, कोई बना सकता है तो बना ले। अच्छा, अब राम जी बनाए कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, परंतु बनाई जाती है, जब मर जाए वो अपनी मृत्यु से। अच्छा, तो उसकी खाल काम पे आती है। अच्छा, तो वो फिर आज के जमाने में जैसे कोई मुर्गा वगैरह खाता है या वो, तो वो फिर कैसे गलत हो गया? तो खाने की बात अलग है ना मेरे भाई, आप हाँ। किसी की शेर की खाल पवित्र होती है। अच्छा, है ना, हिरण की जो खाल है हाँ जी। भगवान शंकर जी भी मृगछाला लपेटते हैं। अच्छा, है ना, तो खाने का नहीं बोल रहे हैं हाँ। खाने का मना है भाई, जब कोई अपनी मौत से शेर मर जाए हाँ। तो शेर अपनी मौत से मर गया, उसकी खाल किसी ने निकाल ली और लेकिन महाराज जी ये सीता जी तो बोल रही थी कि उस हिरण को पकड़ के ले आओ, अगर वो जीवित हाथ नहीं आया तो आपके वो मृग चर्म उसके आपके बैठने के काम आएगी। हाँ, हाँ तो मृग चर्म पर बैठने की बात हम कह तो रहे हैं, खाने की बात थोड़ी कही थी माता सीता ने कि इसका मांस खाएंगे। अच्छा, भाई मृग चर्म सोने का मृग है और सोने का मृग है तो ले आओ, घर में रखेंगे, याददाश्त रहेगी कि भाई कभी अपन जंगल गए थे तो देख लेंगे। खाने की नहीं बोली थी, पर राम जी राजा है, राजाओं को जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, चूहे को दवाई इंजेक्शन चीरा फाड़ी करते हैं ना, चूहा मर जाता है तो वो चीरा फाड़ी इसलिए करते हैं क्योंकि वो डॉक्टरों की शिक्षा का एक माध्यम है। उसी प्रकार राजाओं को जो गलत शिकारी जानवर हो जाते थे, जो और जानवरों को खाते थे, परेशान करते थे, उन दुष्ट जानवरों को मारने की परमिशन राजाओं को हुआ करती थी, इसलिए राजा उद्दंड जानवरों की उनकी शिकार किया करते थे, इसलिए राम जी ने किया। तो ये जो रेगिस्तान वगैरह में जो मस्क होता है जिसमें पानी भर के पिलाते हैं, वो भी तो खाल होती है। आप मांस खाते हैं? जी मैं खाता हूँ। इसलिए आप इतने सारे तर्क लेके बैठे हैं कि भाई ये सही हो जाए। मैंने छोड़ दिया है, मैं 6 महीने से आपकी कथा सुन रहा हूँ ना हाँ। आज मुझे 2-3 महीने हो गए मैंने छोड़ दिया है। फिर अच्छा किया आपने। देखो कोई यदि उपयोग कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अज्ञानवश कर रहा है। दोस्तों ये बात हर कोई जानता है कि दुनिया भर में भारत सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जब ईद कुर्बान आती है वहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू हो जाती है? दोस्तों ये बात हम नहीं कह रहे, खुद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी एक बात कह चुके हैं कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ फरोख्त करने वाला मुल्क बन चुका है। आइए आपको इनका ये बयान सुनवाते हैं। और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे, और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। दोस्तों भारत के एक सियासतदान ने मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब करते हुए बताया कि मुसलमान सबसे ज्यादा गाय का ख्याल रखते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको खाना देते हैं, दूध निकालते हैं, मक्खन से घी निकालते हैं और बेचते हैं। आइए उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। और मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला भारत में सबसे ज्यादा गाय का कत्ल भारत की सरकार कर रही है, मुसलमान नहीं कर रहे। और इस देश में ऐसे कई मुस्लिम समाज हैं जिनको मैं जानता हूं जो गाय को वैसे ही पालते हैं जैसे आप पालते हैं। आप कभी आइए, गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है,
कच्छ जिले में एक नहीं सैकड़ों मुसलमान नहीं हजारों हैं जो गाय पालन करते हैं, गाय का दूध बेचते हैं, दूध में से दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं और बेचते हैं। दोस्तों ये सब आपने जान लिया कि भारत में सबसे ज्यादा गाय का ख्याल मुसलमान ही रखते हैं और इंडिया दुनिया भर में गाय का गोश्त फरोख्त करने वाला नंबर वन मुल्क है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसी क्या वजह है कि मुसलमानों को कातिल और जालिम कहा जाता है। कई इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों को संगदिल कहते हैं और मासूम जानवरों का कातिल करार देते हैं। इन लोगों में अक्सर हिंदू इंतहा पसंद और हिंदू पादरी पेश होते हैं। के लिए अच्छा नहीं है ये, हिंदुओं को उनकी नपुंसकता के लिए ना वीडियो बनाकर दिखाया जा रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ हिंदुओं, उस वीडियो को देख के भी अगर तुम्हारा खून नहीं खोला तो तुम्हारे खून में पानी है। पूरे भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, ऐसा मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ। कानूनी अपराध होना चाहिए गौ की हत्या करने वाले। जी तो बोल रहे हैं कि बंद करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर हमारे जो देश के मतलब राजा ही कह लो एक प्रकार से पीएम है, वो खुद बोल रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो ऐसा ये दो टिप की बातें जो करते हैं ना, तो पंडित जी लोगों को पहले तो उन्हीं से बात करना चाहिए, उन्हीं को टारगेट करना चाहिए, उनसे सवाल जवाब करना चाहिए, को फांसी होनी चाहिए। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। दोस्तों आपने हिंदू इंतहा पसंदों के नफरत अंगेज बयानात सुने जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर फिर सुन्नत इब्राहिमी के खिलाफ प्रोपेगेंडा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस मामले पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ऐसे नकात उठाए हैं जिन्हें हिंदुओं ने भी तस्लीम किया, आइए आपको सुनवाते हैं। कई गैर मुस्लिम खुसूसन हमारे जो हिंदू दोस्त थे वो कहते कि इस्लाम बड़ा बेतर्द मजहब है क्योंकि वो गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। एक जानवर के जान लेना कितना बेदर्द है, गोश्त खाने की इजाजत देता है इसलिए बेदर्द है। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी अच्छा मुसलमान हो सकता है। गोश्त खाना हमारे लिए फर्ज नहीं है, कुरान में या हदीस में कहीं लिखा नहीं कि गोश्त खाना फर्ज है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने आपको खाने के लिए सारे जानवर जिसके चार पैर है उसकी इजाजत दी है, सिर्फ जिसकी मुमानियत है। वी हैव अग्रीड दैट यू कैन ईट एनी फोरफुल एनिमल विद द एक्सेप्शन नेम्ड। ये कहा गया है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि कैटल भेड़ बकरी बनाया गया है ताकि आपके काम है और आप उनका गोश्त खा सके। ये सूरह मोमिनून में जिक्र है सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरी खा सकते हैं। आओ पहले ये समझ ले कि इंसान के लिए गोश्त खाना सही है क्या गलत है। आज की साइंस ये कहती है कि मीट के अंदर, मटन में, गोश्त में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है, आयन है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत है, उसमें से 8 किस्म के अमीनो एसिड जिस्म में बनाए नहीं जाते, तो वो 8 अमाइनो एसिड हमें खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में ये 8 अमाइनो एसिड एक साथ है ही नहीं, लेकिन गोश्त में, मच्छी में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है। वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो शायद 8 एक साथ में हो जाए, लेकिन एक साथ में एक वेजिटेबल में 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। और जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे उनके दांत फ्लैट दांत है, चपटे दांत है उनके, वो सिर्फ घास फूस खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते, उनके दांत है चपटे, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। आप वो जानवर को देखेंगे जो गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पर शेर, शेरे बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत है, कैनाइन टीथ, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में अपने दांत देखेंगे, हमारे पास चपटे दांत भी और नोकीले दांत भी है। अगर अल्लाह ताला चाहता
कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिए हमें, तो कैनाइन से रोग क्यों दिए? इससे ये जाहिर होता है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भेड़ बकरी का, वो सिर्फ घास फूस खा सकता है, घास फूस हजम कर सकता है, गोश्त हजम कर ही नहीं सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो चीते का है, शेर का है, शेर बब्बर का है, वो सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, घास फूस को कर नहीं सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया है, जो अल्लाह समत बनाया है, वो घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दे जो गोश्त को भी हजम कर सकता है। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं, ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर वीडियो था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली। पहले पंडित जी की बात कर लेते, तो पंडित जी ये बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, जब जो राम जी थे वो खुद शिकार करते थे। अब कोई इंसान, ठीक है राजा हो या नॉर्मल इंसान भी हो उस जमाने में, तो शिकार क्यों करेगा बेजुबान? अगर वो एक भगवान के रूप में ले रहे हो तो भाई कोई भी भगवान किसी जानवर को क्यों मारेगा अपने प्रॉफिट के लिए? सिंपल सी बात है। अगर वो चीज गलत नहीं है तो अगर नॉर्मली कोई इंसान काट रहा है तो फिर वो चीज क्यों गलत है? ठीक है वहां पे आप बोल रहे हो कि वो काट रहे हैं तो वो ठीक है, ठीक है वो एक शौक के लिए राजा है तो वो काट सकते हैं। मतलब कोई राजा है तो कोई भी कुछ भी गलत काम वो कर सकता है, और फिर इस जमाने में कर रहे तो इंसान नहीं कर सकते क्योंकि इंसान राजा नहीं है। तो ये लॉजिकल बात नहीं लगा पहली बात। और दूसरी बात जो पंडित जी बोल रहे थे, एक वो ठाकुर कोई पंडित जी है, ठीक है तो वो बोल रहे थे कि भैया मांस मछली को बैन कराना चाहिए, ठीक है और ये बहुत गलत चीज है बोला जाता है। तो ठीक है, तो साइंस इसको क्यों प्रूफ नहीं कर रही कि मांस मछली गलत है? फिर साइंस ऐसा क्यों प्रूफ करती कि यार आपको मांस मछली खाना चाहिए, आपको आपको वहां प्रोटीन के सोर्स मिलते हैं, इतने सारे विटामिन्स मिलते हैं। तो ये सब चीज भी देखना पड़ता है ना, अभी के जमाने का हम सोचेंगे ना कि पीछे जमाने का वो चीजों को सोचेंगे। और ये भी चीज है कि मोदी जी तो खुद बता रहे हैं कि इंडिया तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, कर रहा है, ठीक है मांस मछली। तो फिर ये चीजें आप खुद देखो ना, जिस चीज को आप मतलब मना करना चाह रहे हो, तो हमारी सरकार मतलब सरकार ही वो चीज को बढ़ावा दे रही है। हाँ, सरकार ही तो आम जनता के लिए सिर्फ ये सारे कानून क्यों? और आम जनता ही नहीं, सिर्फ एक ही रिलीजन के लिए ये टारगेट है। बाकी अगर आप देखोगे तो इंडिया में ज्यादातर नॉन मुस्लिम की आबादी है, तो वो तो बहुत ज्यादा मुसलमानों से सबसे ज्यादा खाते हैं मांस मछली। अगर आप देखा जाओ, एक रेशियो निकाला जाए, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ऐसा कैसा हो सकता है? और अगर ऐसा होता कि अगर हिंदू रिलीजन में या नॉन मुस्लिम जो भी हो उनके रिलीजन में नहीं होते, तो उनके पूर्वज क्यों खाते हुए आते हैं मांस मछली? सिंपल सा लॉजिक है। सो गाइस ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।